बीजेपी से कांग्रेस में आए शत्रुघ्न सिन्हा के लिए कांग्रेस में भी अब विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। बता दें कि कांग्रेस से लखनऊ सीट के लिए उतरे उम्मीदवार प्रमोद कृष्णम ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी धर्म निभाने के लिए कहा है। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने उन्हें बिहार की पटना साहिब सीट से उम्मीदवार बनाया है, जबकि उनकी पत्नी पूनम सिन्हा को सपा ने लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा है। लखनऊ से कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को उतारा है। इसी दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पत्नी के लिए प्रचार किया तो वहीं पार्टी में उनके लिए विरोध के स्वर उठने लगे। चुनावी दौर में जहां एक दूसरे को बयान मारने या यूं कहें कटाक्ष करने का दौर चल रहा है, इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता को जूता फेंक कर मारने की घटना सामने आई है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा जब बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उन पर जूता मारा गया, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी शख्स का नाम शक्ति भार्गव है और वो पेशे से डॉक्टर है। पुलिस फिलहाल भार्गव को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फेसबुक प्रोफाइल के मुताबिक शक्ति भार्गव कानपुर के रहने वाले हैं। भार्गव का आरोप है कि सरकार ने करप्शन के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। बता दें कि डॉक्टर से रियल एस्टेट कारोबारी बने शक्ति ने ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन की कई जमीन और बंगले खरीदे। जमीन के कई केसेस में उनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। कुछ महीने पहले भार्गव के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे भी पड़े थे, साथ ही उनकी कानपुर के ही एक बड़े व्यापारी घराने से तनातनी भी चल रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां एक तरफ बयानबाजियां हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बिसात भी बिछाई जा रही है। आज कई नेताओं ने चुनावी रण में उतरने के लिए नामांकन दाखिल किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा, बीजेपी नेता मेनका गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से, पूनम सिन्हा ने लखनऊ से, तो वहीं मेनका गांधी ने सुल्तानपुर सीट से अपना पर्चा दाखिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अमरेली में रैली के दौरान गुजरात में बनवाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा को लेकर कहा कि ये मूर्ति पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का अनादर करने के लिए नहीं बनाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब आप गूगल पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा खोजते हैं तब स्टैचू ऑफ यूनिटी और गुजरात का नाम सामने ऊपर आता है, आपको गर्व महसूस होता है। उनका आगे कहना था कि मैंने पंडित नेहरू का अनादर करने के लिए सरदार पटेल की प्रतिमा नहीं बनवाई है। पटेल का कद इतना ऊंचा है कि आपको दूसरों को उनसे छोटा दिखाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने आतंकवाद को जम्मू कश्मीर के केवल 2.5 जिलों तक सीमित कर दिया है। तो वहीं देश में पहले हुई बम विस्फोट की कई घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसी अन्य हिस्से में पिछले 5 वर्ष में कोई बम विस्फोट नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में आम लोगों से लेकर वीआईपी नागरिक अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सबके बीच एक नए शादीशुदा जोड़े ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। बता दें कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर पोलिंग बूथ पर पहुंचे इस जोड़े ने शादी के कपड़े तक नहीं बदले और सीधे वोट देने पहुंच गए। इस बीच पति पत्नी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। इसके अलावा बिहार के भागलपुर में 90 साल की दो महिलाएं उर्मिला और उषा अपने अपने वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में जोगिंदर देवी नाम की 80 वर्षीय महिला वोट डालने के लिए सीधे अस्पताल से पोलिंग बूथ पर पहुंची। इसी तरह महाराष्ट्र की रहने वाली 105 साल की कवाईबाई कामले ने अपने परिवार के साथ लातूर स्थित पोलिंग बूथ पर अपना वोट दर्ज किया।